हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं या फिर ANM हैं, तो वो मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट कैसे अपडेट करें, किस पर? SWC पोर्टल पर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कैसे मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट है वो सबमिट की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी सितंबर कंप्लीट हुआ है तो अक्टूबर की तो अपन फिल कर नहीं सकते। आप देख सकते हो यहाँ पे बताएगा प्लीज सिलेक्ट द प्रीवियस मंथ। ओके, तो यहाँ पर आप सितंबर की सबमिट करने वाले हो तो 2023 सिलेक्ट कर लिया है मैंने, और सिंपली यहाँ पर ये अपडेट होता जाएगा जैसे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कितना फास्ट है, आपके नेटवर्क की स्पीड क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल एम्पैनल्ड, एम्पैनल्ड का मतलब होता है आपने NCD के लिए जो एनरोलमेंट किया है इस सेप्टेम्बर मंथ में, टोटल नहीं, जो अप्रैल 1 अप्रैल से चालू होता है, लेकिन 1 अप्रैल से नहीं डालना अपन को। यहाँ पर टोटल एम्पैनल्ड का मतलब होता है दिस मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल इंडिविजुअल एनुमरेटेड और लाइन लिस्टेड बाय द आशाज इन द रिपोर्टिंग मंथ। तो रिपोर्टिंग मंथ के अंदर आपकी आशा ने कितने कैंडिडेट्स का, कितने इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर लाइन लिस्ट किया है, तो मेरे 150 किया है। आप सभी को बताया मैं भी CHO हूँ, तो यहाँ पर 50 किया है, और आपने, आपकी आशा ने, यहाँ भी आशा का ही नाम आएगा। आप देख सकते हो टोटल कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फिल्ड बाय द आशा फॉर इंडिविजुअल 30 इयर्स एंड अबव इन दिस रिपोर्टिंग मंथ। तो इसी मंथ के अंदर आपकी आशा ने कितने आपके CVAC फॉर्म है वो फिल किए हैं। उसके बाद में अब काम आ जाता है यहाँ पर CHO का। आप देख सकते हो यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कितनों की स्क्रीनिंग की गई है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग मैंने की है टोटल 72 की मेल कैंडिडेट्स की, फीमेल की बात करें तो मैंने की है 68 की, टोटल कितनों की है 140 की। तो यहाँ पर आपको 0-0 करना है कि टोटल तो यहाँ आ गया 140, और ये जो क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर मैंने 0-0 किया अदर जेंडर के लिए दे रखा है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं जिनको अपन सिक्सर भी बोलते हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस की, तो जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो सेमी रहेंगे, क्योंकि जितनों का आपने मेल कैंडिडेट का चेकअप किया उतने ही आप फीमेल का करोगे, तो सेम हाइपरटेंशन का भी कर रहे हो तो उनका डायबिटीज का भी करोगे, आप शुगर का भी करोगे, कैंसर का भी करोगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 68, और यहाँ पर अपना हो जाएगा वही 0-0। अब ओरल कैंसर तो मेल के भी अपन स्क्रीनिंग करते हैं, फीमेल के भी करते हैं, तो वही 72 और 68 और इधर 0-0। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल के लिए स्क्रीन किया जाता है, ब्रेस्ट हेल्प एग्जामिनेशन सिर्फ फीमेल के लिए किया जाता है, मतलब किया तो दोनों को जाता है, लेकिन जो ABSWC रिपोर्टिंग के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी का मांगा गया है। वैसे ब्रेस्ट हेल्थ एग्जामिनेशन फीमेल का ही किया जाता है मोस्टली, लेकिन इन दैट कंडीशन कोई केस है उसके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो फिर वहां पर मेल का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, ओनली फीमेल का ही करना है। तो यहाँ पर जैसे कितनों का किया है मैंने, डायबिटीज और शुगर का और ओरल कैंसर का, तो वो 68 का किया है, तो ब्रेस्ट कैंसर का भी हम 68 का ही करेंगे, सर्वाइकल कैंसर का भी हम 68 का करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है टोटल इंडिविजुअल डायग्नोस्ट पॉजिटिव फॉर NCD इन द रिपोर्टिंग मंथ। ओके, तो ये तो हो गया अपना क्या स्क्रीनिंग। अब यहाँ पर पूछ रहा है ट्यूबर क्लोसिस का, मैंने सितंबर मंथ में क्या है 0-0 स्क्रीनिंग की थी, कितना 0-0 किया था मैंने, कोई पेशेंट रेफर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मैं 0-100 ना करके लगभग लगभग 14 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट तो मैं 10 कर फीमेल वो मेल कर देता हूँ, और 6 कैंडिडेट है वो फीमेल कर देता हूँ, टोटल 16 हो गया। क्यों, अकॉर्डिंग टू जो मेरी OPD होती है मंथली, तो मेरा टारगेट 16 का रहता है, तो मैं मेरे टारगेट के हिसाब से 16 कर दिया हूँ। इधर ट्रांसजेंडर के अंदर 0 हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे न्यूली डायग्नोज फॉर पॉजिटिव फॉर द किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, BP के लिए। तो BP में मेरे जो न्यूली डायग्नोस्ड हैं रिपोर्टिंग मंथ के अंदर सेप्टेम्बर के अंदर, वो 3 है, फीमेल है वो 2 है, और ट्रांसजेंडर है वो 0 है। उसके बाद में डायबिटीज की बात करते हैं, तो मेरे 2 हैं मेल, फीमेल 1, ओके, और ट्रांसजेंडर की बात करें तो 0। उसके बाद ओरल कैंसर 0, और ये आपके 0 रहेगा, AB0, ये आपका ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपके है ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर का, तो आप यहाँ पेशेंट है वो शो करते हो, रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आपका नहीं है तो आप यहाँ पर 0 शो करोगे। न्यूली डायग्नोस्ड फॉर TB पॉजिटिव, तो मेरा 1 है मेल कैंडिडेट है, फीमेल 0 है, ट्रांसजेंडर भी 0 है,
ओके ये हो गया। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर टोटल पूछ रहा है, देख सकते हो आप टोटल इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, इट इंक्लूड ऑल द इंडिविजुअल हु आर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द फैसिलिटी। तो फैसिलिटी से कितने टोटल पेशेंट हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मेरा हाइपरटेंशन के हैं वो कितने ले रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, 39 ले रहे हैं फीमेल, मेल और फीमेल यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा, मैंने टोटल कर दिया। तो मेरे टोटल हैं वो हाइपरटेंशन के हैं वो 23 हैं, कितने 23 हैं, और फीमेल है वो 16 है, वो टोटल 39 हो गया, ट्रांसजेंडर 0 हो गया। उसके बाद में शुगर की बात करें तो 15 है मेल, और फीमेल की बात करूँ तो 12 है, टोटल 27, और ट्रांसजेंडर 0, ऑल कैंसर वो 0 हो जाएगा क्योंकि आज तक मैं मेरे पास कैंसर का कोई पेशेंट नहीं आया। उसके बाद में सर्वाइवल कैंसर भी 0। इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट ऑन टीबी, तो टीबी वाले पेशेंट हैं वो मेरे यहाँ पर कितने हैं टोटल, 6 हैं, 6 में से मैं अभी आपको बता देता हूँ कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो यहाँ पर आपको ऑन ट्रीटमेंट के अंदर जाना है, पेशेंट डिटेल में जाना है, हरप्रसाद मीना, अक्रम मीना, रामपाल बोलदाराम कौन, तो एक मेरे फीमेल है और बाकी 5 है वो मेल हैं, तो 1 6 हो गया, ट्रांसजेंडर 0 हो गया। यहाँ पूछ रहा है टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, तो 39, टोटल डायबिटीज पेशेंट तो 27। अभी आपको पता ही है मैं डाटा कहाँ से एंटर कर रहा हूँ, टोटल टी पेशेंट है वो मेरे 6 हैं। उसके बाद में हम बात करें एबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑफ बीपी अपराटस, यस आई हैव अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड ऑल्सो एबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्लूकोमीटर, यस। उसके बाद में ग्लूकोज स्ट्रिप का स्टॉक है वो मेरे पास लगभग 80 के आसपास पड़ा है अभी। उसके बाद में नो, क्योंकि अभी तक पीबीआई नहीं मिला इस मंथ का, तो टीबीआई गिवन टू द आशा एंड एमपीडब्ल्यू नो। उसके बाद में हम बात करें जनारोग्य समिति, तो मैं पीसीओ पोस्टेड हूँ तो मेरे जनारोग्य समिति नहीं होती है, मेरा होता है आरएमआरएस रिलीफ मेडिकल सोसाइटी, कुछ ऐसे होता है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, तो उसमें हमारा कोई संपर्क नहीं है। इसको फाइनली सबमिट कीजिए और ये बता रहा है अभी प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम एंड देन अगेन ट्राई इट, और ये प्लीज वेट शो कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा, डिपेंड ऑन नेट इंटरनेट स्पीड। प्लीज वेट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द योर इंटरनेट स्पीड, ओके, सो प्लीज वेट एंड कीप पेशेंस। ओके सो यू कैन चेक हेयर योर रिपोर्टिंग सबमिटेड बाई यू, हो गया ये, डोंट वरी आपका नेटवर्क सही है तो आपको इमीडिएट शो कर देगा, आप देख सकते हो ये हो चुका है। अब चाहो तो आप इसको एडिट कर सकते हो यहाँ से, जो भी डाटा चेंजेस करना है, जो भी फिगर चेंज करना है इसका डाटा का। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन फोन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।